आज 3 नवंबर को अहिंसा धाम हॉस्पिटल में किया गया दीपावली का सेलिब्रेशन। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा भाई विपिन जैन अध्यक्ष का, रवि जैन महामंत्री का और दीपक जैन कोषाध्यक्ष का, जो अपने पूरे स्टाफ का इतना ध्यान रखते हैं और उन्हें अपनी पूरी फैमिली की तरह मानते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को पुरस्कारों और बोनस से सम्मानित किया। आप भी इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी कमेटी श्री विपिन जी, प्रधान जी और दीपक जी कोषाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि जो हमारे संरक्षक, परम संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक यहाँ विराजमान है, उनका स्वागत करें तिलक लगाकर। डॉक्टर ए के जैन, ऑनरी मेडिकल डायरेक्टर ऑफ अहिंसा धाम, पिछले अनेकों साल से रियल मानव सेवा की जो मिसाल है वो दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के आसपास एनसीआर में सब लोगों को उपलब्ध करा रहा है। ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में, बाहर मैं जाता हूँ तो लोग मुझे इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि डॉक्टर जैन, आपके अहिंसा धाम के अंदर जो सेवाएं मिल रही है
वो जो भी कोई मरीज हमारे पास आता है वो उसको बहुत सराहता है। बंधुओं, जय जिनेन्द्र। आज जो ये अहिंसा धाम आप लोगों के सामने एक वृक्ष के रूप में, विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है, यह सब जैन समाज के जितने भी हमारे धनवान व्यक्ति हैं, जैन समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनकी वजह से यह संपूर्ण हो पाया है। अहिंसा धाम एक आंदोलन का नाम है जो हमने 2014 से स्टार्ट किया। इसमें सबसे ऊपर मंजिल पे जिनाले है, उसके अलावा स्वास्थ्यालय नीचे काम कर रहा है जो एक आंदोलन का रूप ले चुका है। हमने शाकाहार, इस मंच का उपयोग शाकाहार को बढ़ाने के लिए शुरू से ही किया है। विशेष शाकाहार, जैन समाज तो शाकाहारी आज से नहीं सदियों से रहा है। दूसरा समाज, दूसरे धर्म के लोग अनुयायी जो कि मांसाहार की तरफ थे, हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े और लाखों लोग हमारे अहिंसा धाम के माध्यम से मांसाहार को छोड़कर शाकाहार में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जो समाज में कुरीतियां हैं उसकी तरफ भी अवेयरनेस में भी बहुत काम कर रहे हैं। हम इस मंच का ज़्यादा उपयोग अवेयरनेस में भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। हर तरीके से हम इस मंच का उपयोग समाज की सेवा में कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।